नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे JSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा JTET की परीक्षा में कुरमाली भाषा से कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, झारखंड की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रीजनल लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अब तो इसके बिना कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना एक तरह से नामुमकिन है। तो इसीलिए रीजनल लैंग्वेज को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है और अच्छी तरह से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, और इसमें यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और तरीके से पढ़ा जाए तो इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है कुरमाली भाषा, तो इसमें कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, कुरमाली भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है व्याकरण। दोस्तों, कुरमाली व्याकरण से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और कुरमाली व्याकरण के अंतर्गत क्या आते हैं, इसमें सारे चीज़ पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण समास कारक लोकोक्तियाँ मुहावरे और जितने भी ग्रामर के अंतर्गत चीज़ आते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरह से पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल होते हैं कुरमाली के वो व्याकरण से होते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है जीवनी। तो जीवनी में क्या हमें पढ़ना है, जितने भी कुरमाली के लेखक हैं उनकी जीवनी पढ़ना है, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनकी शिक्षा कैसे हुई है, उनके रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सारे चीज़ जीवनी में आते हैं। तो जीवनी कुरमाली लेखकों के जीवनी पढ़ना है, कुरमाली लेखक, और साथ ही साथ और किसकी जीवनी पढ़ना है, हमें जितने झारखंड के जितने भी महान प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, झारखंड आंदोलनकारी हुए, जैसे निर्मल महतो, रघुनाथ महतो, विनोद बिहारी महतो, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, इन सारी चीज़ों लोगों की जीवनी को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि जीवनी से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं अभी तक। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है लोक कथा। दोस्तों, कुरमाली भाषा में जितने भी लोक कथाएं हैं उनसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो जितने भी लोक कथाएं हैं इनको अच्छी तरह से जानना है, बस कम से कम एक बार रीडिंग मारना तो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आप लोग बचपन में बहुत सारी कहानियों को सुने ही होंगे, और यदि और एक बार रीडिंग मार लेते हैं कहानियों को तो सारा याद हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद चौथा नंबर में है पैसेज, यानी कि कुरमाली में कुछ सेंटेंस लिखे रहेंगे और उसी से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे हर भाषा में होता है, इंग्लिश में भी वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं और हिंदी में भी। तो पैसेज ये तो आप आसानी से कर लेंगे, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है लोकगीत। दोस्तों, लोकगीत से ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभार छिटपुट सवाल लोकगीतों से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है श्रेष्ठ साहित्य। श्रेष्ठ साहित्य किसे कहा जाता है, यानी कि जब जो लिखित साहित्य है, जो आधुनिक लेखकों द्वारा जो लिखित साहित्य है उसको श्रेष्ठ साहित्य कहा जाता है। तो कुरमाली भाषा में ज़्यादातर जो साहित्य है वो लोक साहित्य है, यानी कि जो प्राचीन काल से मौखिक तौर पर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर जो कहानियाँ और जो गीत पहुँचाए गए हैं उसको लोक साहित्य कहते हैं। तो ज़्यादातर सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल श्रेष्ठ साहित्य से ही पूछे जाते हैं, यानी कि आधुनिक लेखकों द्वारा लिखे गए रचनाओं से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो तीन चीज़ हैं, व्याकरण, जीवनी और लोक कथा, यहाँ से आपको लगभग 60% क्वेश्चन इन तीन टॉपिक से कवर होते हैं, तो इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे कोई नए टॉपिक पर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।